सो हेलो एवरीवन, ये है गेमिन इंडिया के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में इनकम जो है 10.39 करोड़ थी, जो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 73.69 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देखेंगे। टोटल एक्सपेंस ईयरली बेसिस में 434 करोड़ थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 340 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम बढ़ी है लेकिन जो शेयर के एक्सपेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर जो है 553 करोड़ था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 647 करोड़ हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि अभी भी लॉस में है। आगे हम इस शेयर के अर्निंग पर शेयर को भी देखेंगे। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 15 रुपये था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 17.54 पैसे हो गया, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं शेयर के रिज़ल्ट जो है इतने अच्छे नहीं रहे हैं। और जो ये शेयर एक पैनी शेयर है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तो रिस्क बना ही रहेगा, और अगर आप होल्ड करके रखना चाहें तो अपने ओन रिस्क में होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ये शेयर है तो सेल करना चाहें तो यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो शेयर है वो थोड़ा रिस्की है। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस शेयर को सेल कर सकते हैं।